क्लास है, ये 44 स्टूडेंट्स थे। इस 44 स्टूडेंट्स में से हमारे जो आज अवार्ड्स दिए हैं वो 5 बच्चों को अवार्ड्स दिए हैं, बेस्ट डिज़ाइन कलेक्शन, मोस्ट कमर्शियल डिज़ाइन मेथोडोलॉजी, मोस्ट इनोवेटिव एंड एक जूरी स्पेशल अवार्ड। तो हम 3 मेंटर्स हैं जो इंटरनल फैकल्टी है। इसके अलावा हमारी जो एक्सटर्नल जूरी थी वो मिस्टर संजय कुलश्रेष्ठ थे, वो वाइस प्रेसिडेंट वोवन डिविजन नाहर से आए थे, नालूरू में जो नाहर डिवीजन है। और एक हमारे मिस्टर प्रदीप रतन आए थे, वो डायरेक्टर हैं प्यू होम डिकोर के, वो गुड़गांव से आए थे। सो ये जो दोनों इंडस्ट्रियल मेंटर्स आए हैं, इन्होंने जज किया कि स्टूडेंट्स का कलेक्शन जो उनसे है वो मार्केट में कितनी कुछ सक्सेसफुल होगी, वो कितनी कमर्शियल होगी, उसमें डिज़ाइन इनपुट कितनी है। बिकॉज टीचर्स तो हम बेसिक डिज़ाइन इनपुट देते हैं, बट वो लोग जज करते हैं आके कि इसकी मार्केटेबिलिटी कितनी है, इसकी कमर्शियल वैल्यू कितनी है, इसमें इनोवेशन कितनी है। The jury special award goes to Miss Shweta Rani. Innovative collection award goes to Miss Khushi. Design methodology award goes to Ashutosh Kumar Jha. The next award, most commercial collection, goes to Muskan. The last award of the category Best Design Collection Award goes to Ishika. NIIFT Northern India Institute of Fashion Technology इस समय मोहाली, लुधियाना और जलंधर में 3 सेंटर्स अपने चला रहा है। आज हम सब यहाँ पे सुवियान, जो कि हमारे टेक्सटाइल डिजाइन स्टूडेंट्स का एक ग्रेजुएटिंग इवेंट होता है, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ हमारे स्टूडेंट्स ने ऑल ओवर दी कंट्री डिफरेंट इंडस्ट्रियल हाउसेस, एक्सपोर्ट हाउसेस के साथ काम किया है और उनके साथ मिलकर इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल की डिज़ाइन कलेक्शंस डेवलप करी हैं, जिनको आज वो इस जगह पे प्रेजेंट कर रहे हैं। निफ्ट 1995 में शुरू हुआ था, प्राइमरली इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। इंडस्ट्रीज के साथ हम जुड़ते गए, इंडस्ट्री ट्रेन प्रोफेशनल्स हम बनाते गए। 2008 में निफ्ट ने अपना एक सेंटर लुधियाना में खोला, जो कि लुधियाना में प्राइमरली निटवेयर इंडस्ट्री को कैटर करता है। और फर्दर टू दैट 2009 में हमने अपना एक सेंटर जलंधर में खोला, जो कि इनिशियली लेदर इंडस्ट्री को कैटर करने के लिए था, लेकिन अब हम डाइवर्सिफाइड फील्ड्स को कैटर कर रहे हैं। निफ्ट में कोई भी एग्जामिनेशन सिर्फ इंटरनल लेवल पे नहीं होता, हमारे एग्जामिनेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल्स पे होते हैं। इनके सारे काम को इंडस्ट्री रिलेटेड इंटरनल ज्यूरी ने पहले डील किया, निफ्ट के प्रोफेसर्स ने उसको इवैल्यूएट किया, उसके बाद एक्सटर्नल ज्यूरी आई और उस एक्सटर्नल ज्यूरी ने इनके कामों को इवैल्यूएट किया और उसके बेसिस पे डिसाइड किया कौन सी कलेक्शन कितनी कमर्शियल है, कौन सी क्रिएटिव है, कौन सी इनोवेटिव है और कौन सी स्पेशल रिकॉग्निशन मांगती है। इस एग्जीबिशन में जो भी कुछ डिस्प्ले किया गया वो सारा स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किया गया क्रिएटिव असाइनमेंट्स हैं, जो असाइनमेंट्स उन्होंने डायरेक्टली इंडस्ट्री और निफ्ट के पार्टनरशिप में डेवलप किए हैं। अगर आप सिर्फ वेदर या क्लाइमेट देखते हैं तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली कभी भी क्लाइमेट से कनेक्ट डायरेक्ट रिलेटेड नहीं रही, लेकिन जो ठंडे इलाके होते हैं उनमें हम वुलन, वर्स्टेड, स्टेपल, इस तरह के बेसिस के ऊपर काम करते हैं, सिल्क में कलेक्शंस को डेवलप करते हैं। और जो वार्मर रीजन्स होती हैं उसमें हम कॉटन, लिनन, हेम्प, सीसल, इस तरह के बेस फैब्रिक्स का लेकर उसके ऊपर बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स करते हैं।